सो हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लैंडर आई एम एंड स्वागत है आप सभी का नेशनल इनकम अकाउंटिंग के सीरीज़ में उन्नीसवां लेसन होने जा रहा है हमारा इसमें कि आज हम पढ़ेंगे कि एन डी पी एट मार्केट प्राइस एंड एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं इन दोनों के बीच क्या फ़र्क है इससे पहले हमने जी डी पी एट मार्केट प्राइस एंड जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट को देखा था ये सारे की सारी हमारी जो एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम की उसको हम पढ़ रहे थे सो so, उसी सीरीज़ में शुरू करते हैं एन डी पी एट मार्केट प्राइस से सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एन डी पी एट मार्केट प्राइस पहले डेफिनीशन देखते हैं सो डेफिनेशन इज एन डी पी एट मार्केट प्राइस रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन ईयर एक साल के दौरान एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान हमारी डोमेस्टिक टेरीटरी के अंदर जिसमें कि हमारे पोलिटिकल फ्रंट ईयर के अंदर जितने भी इलाके आ जाते हैं वो भी आ जाते हैं एक्सप्लोरिंग द एम्बेसीज एंड कौंसुलेट्स ऑफ इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो भी हमारे बाहर की कंट्रीज में हमारे एम्बसीज है कॉन्सोलेट्स हैं वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ गए एंड जो भी हमारे मिलिट्री स्टैबलिशमेंट हैं बाहर की कंट्रीज़ में ये सारा कॉन्सेप्ट हमने डोमेस्टिक टेरिटरी का कि कौन सी चीज़ें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है कौन सी चीज़ें नहीं आती है वो हमने ब्रीफली एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करा हुआ तो आई वुड रिकमेंड कि पहले आप उस वीडियो को जाकर देखिए आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा सो so, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी एक साल के अंदर एक साल के दौरान एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान बेसिकली हमारी डोमेस्टिक टेरेटरी में जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसको जब हम उसके मार्केट वैल्यू पे आंकते हैं मार्केट वैल्यू पे उसको जब एस्टिमेट करते हैं मार्केट वैल्यू में जिस प्राइस पर वो बिगड़ा इसीलिए उसको मार्केट प्राइस भी कहते हैं तो वो हो जाता है हमारा एन एट मार्केट प्राइस तो एन एट मार्केट प्राइस को अगर हम बुलेट पॉइंट्स में समझने की कोशिश करें तो एन एट मार्केट प्राइस में ओनली फाइनल गुड्स ही लिए जाते हैं क्योंकि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हमने ये देखा था कि फाइनल गुड्स ही लेते हैं डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स को लेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी जैसा कि हमने देखा था फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स के वीडियो में तो हमेशा फाइनल गुड्स लिए जाते हैं एंड चूंकि जी डी चूँकि एन डी पी एट मार्केट प्राइस में हमने एन डी पी एम पी में हमने मार्केट वैल्यू को कंसिडर किया दैट मीन्स कि उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड हैं एक्सक्लूडिंग द सब्सिडीज तो इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं एंड डेप्रिसिएशन इज एक्सक्लूडेड तो ये सारी चीज़ें ये जो डेफिनेशन है ये हम जी डी में भी हमने पढ़ा था लेकिन जी डी से एन डी किस तरीके से डिफर करता है तो वो डेप्रिसिएशन के बेसिस पे कि जी डी में भी वो सारी चीज़ें हैं जो एन डी में है बट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज डेप्रिसिएशन कि एन में डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड है दैट मीन्स कि जी में जब हम डेप्रिसन एक्सक्लूड कर देते हैं जी से जब हम डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड कर देते हैं तो हमारा एन निकल जाता है सो बेसिकली ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि डेप्रिसी इज़ नथिंग बट द कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल तो ग्रॉस हमारा एस्टिमेट हो गया एंड जब हमें नेट में जाना है तो हमारा जो भी हमने टेंजिबल एसेट्स यूज़ करा है उसके जो कंजप्शन का अमाउंट आएगा जैसे हमारी मशीनरी हर एक साल डिप्रेट करती जाती है डिप्रशिएट करती जाती है उसको तो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा ना उसको तो, तो लि उसके लिए तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा ना तो जब हम जी डी पी एम पी में हम अपने के अमाउंट को जो हमारा सालाना डिप्रिसिएशन हो रहा है हमारी मशीनरीज में एंड हमारे टेंजिबल एसेट्स में जब उसको घटाते हैं तो हमारा एनडीपी एम पी निकलता है सो बेसिकली एन डी पी एम पी इज़ नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन जी डी पी एम पी एंड ऐसा है मैथ्स के फॉर्मूले के हिसाब से कह सकते हैं अदरवाइज एन डी पी रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी अगेन डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी सारी चीज़ें आ जाएंगी पोलिटिकल फ्रंटियर प्लस हमारे बाहर की कंट्रीज में जो भी कॉन्सलेट्स एंड एम्बसीज हैं प्लस मिलिट्री स्टैब्लिमेंट एंड बलाब अवला तो वो एक साल में जितने हमने प्रोड्यूस करा है उसको हम एन डी पी एम पी कहते हैं तो अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा उसको देखेंगे उससे पहले आप इस फॉर्मूले को अपने कॉपी में लिख ले एनडीपीएमपी इक्वल्स टू जीडीपीएमपी माइनस डिप्रेशिएशन की जीडीपीएमपी और एनडीपीएमपी में जो फर्क है वो डिप्रेशन का डिप्रेशन का कि जीडीपीएमपी में डिप्रेशन रहता है एंड जब हम उसे डिप्रेसेशन जब उसमें से हम डिप्रेशन एक्सक्लूड कर देते हैं तो हम एनडीपीएमपी हमारा निकल जाता सो so, अगर आपके पास जीडीपीएमपी एंड डिप्रसेशन का अमाउंट दिया हो देन यू कैन ईजिली फाइंड एनडीपीएमपी बाय जिस फार्मूला मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट इसको शॉर्ट में एन डी पी एफ सी भी कहा जाता है डेफिनेशन देखते हैं डेफिनेशन में स्लाइड चेंज है मार्केट वैल्यू की जगह यहाँ पे मनी वैल्यू है सो बेसिकली एन डी पी एफ सी रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ वन ईयर सिमिलरली जैसा हमने एन डी पी एम पी में पढ़ा था वैसा ही इसमें भी कॉन्सेप्ट है कि एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनको जब हम उनके मनी वैल्यू पे आंखते हैं बेसिकली मार्केट वैल्यू मीन्स द प्राइस मार्केट वैल्यू जैसे कोई फोन होगा उसका मार्केट वैल्यू मान लीजिए दस हज़ार है दैट मीन्स कि, कि किसी कंज्यूमर को अगर उस फोन को खरीदना है तो ही विल बी रिक्वायर टू पे टेन थाउजेंड लेकिन उस फोन का मनी वैल्यू मीस लेट सपोज उसी फोन का मनी वैल्यू सात हज़ार है दैट मीन्स कि उस फोन को बनाने में सात हज़ार लगे उस फोन को बनाने में जितने भी हमने पेमेंट है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दैट अमाउंट टू सेवन थाउजेंड सो इसमें जब हम सारे गुड्स के मनी वैल्यू को कैलकुलेट करता है दैट मीन्स कि जिस वैल्यू पे जो अमाउंट पे करा गया उन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए वो मार्केट वैल्यू में मीन्स कि उन गुड्स को खरीदा किस अमाउंट पर जा रहा है सो बेसिकली दिस इज द बिटवीन मनी वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू तो so, उन्हीं सारे गुड्स को जो हमारी डोमेस्टिक डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए एंड फाइनल गुड्स आई एम टॉकिंग अबाउट तो उनको जब हम उनके मनी वैल्यू पे काउंट करते हैं तो हमें एन डी पी एफ सी निकल के आता है हमारा एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट इसमें भी अगर बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो हम इसमें भी फाइनल गुड्स लेते हैं टू अवॉइड डबल काउंटिंग सो इट एक्सक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यही सबसे बड़ा फर्क है एन डी पी एफ सी एंड एन डी पी एम पी में कि एन डी पी एम पी में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होती हैं वहीं पे एन में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो एक्सक्लूडेड है बिकॉज की एन में हम फैक्टर कॉस्ट पे उन गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को अमाउंट कर रहा है उन गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को काउंट कर रहा है वहीं पे हम एन में उसी सेम गुड्स और सर्विसेज के वैल्यू को हम मार्केट प्राइस पे काउंट करते थे तो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस में जो भी हमने नेट इंड टैक्सेस पे करा होगा एक्सक्लूडिंग इंडरेक्ट टैक्सेस में जब हम एक्सक्लूड करते हैं सब्सिडी को तो हमारा एनआईटी निकलता है नेट इंड टैक्सेस वो सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस करी हुई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फंडामेंटल्स वाली वीडियो को पहले देखें देन आप इन वीडियोज पर मूव ऑन करें सो so इसमें एनआईटी एक्सक्लूडेड है एंड डेप्रेसिएशन भी एक्सक्लूडेड है क्योंकि नेट जब भी हम पढ़ेंगे तो डिप्रेसिएशन इज एक्सक्लूडेड एंड जब भी ग्रॉस की बात आएगी चाहे वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो ग्रॉस डोमेस्टिक uh, प्रोडक्ट हो तो उसमें डिप्रसेशन आपका इंक्लूडेड रहेगा लेकिन नेट की बात है तो डिप्रेसेशन इज एक्सक्लूडेड तो यहाँ से अगर आपके पास एन डी पी एम पी एंड नेट इन टैक्सेस दिया हो तो आप एन डी पी एफ सी आसानी से निकाल सकते हैं बिकॉज एन डी पी एम पी में एंड एन डी पी एफ सी में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो यही है कि एन डी पी एम पी में एन आई टी इंक्लूडेड है बल्कि एंड एन डी पी एफ सी में एन आई टी इंक्लूडेड नहीं है तो एन डी पी एम पी में जब आप एन आई टी को एक्सक्लूड कर देंगे माइ तो यू विल गेट एन डी पी एफ सी सो एन डी पी एफ सी इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन एन डी पी एम पी एंड एन आई टी तो इससे एक और बड़े पिक्चर की तरफ चलते हैं एक और नया फार्मूला डिराइव करते हैं सो so बेसिकली अगर आपके पास डी डी पी एम पी दिया हुआ है डेपेशन का अमाउंट दिया हुआ है एन आई टीट नेट डायरेक्ट टैक्सेस का अमाउंट तो आप कैसे एनडीपीएफ सी निकालेंगे तो पहले जी डी पी एम पी में से डेप्रीसी घटाएंगे तो हमारा एनडीपीएम आएगा जी डी पी एम पी में से डेप्रीसी एनडीपीएम एंड उसके बाद जब जब ये जो एनडीपी एम पी है उसमें उस से जब हम एन आई टी घटाएंगे तो हम एनडीपीएफ सी पे आसानी से पहुंच सकते हैं विच इज दिस फार्मूला सो बेसिकली अगर आपके पास अलग अलग कंपोनेंट्स दिए हुए हैं एंड आपस में इनका इंटर रिलेशन है तो तो भी आप किसी पर्टिकुलर एग्रीगेट को निकाल सकते हैं जैसे एन में हमारे पास अगर एन निकालना है तो हमें अगर एन या एन दिया हुआ तो भी निकाली जा सकती है या एन निकालना है तो जी डी पी एट मार्केट प्राइस एंड डिप्रसेशन एंड एन दी हुई है तो भी हम निकाल सकते हैं तो इट इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप क्या है वेरियस एग्रीगेट्स में अभी हमने सारे के सारे डोमेस्टिक एग्रीगेट्स को पढ़ लिया जी डी पी एट मार्केट प्राइस जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट एन डी पी एट मार्केट प्राइस एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट अब हम अगले वीडियो में उनकी रिलेशनशिप को देखेंगे एंड uh, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कोई भी एक चीज दी हुई है तो हम बाकी की चीज़ों को आसानी से निकाल सकते हैं थ्रू दैट रिलेशनशिप बहुत सारे फार्मूलाज आप सीखने वाले हैं सो दैट्स इट फॉर टुडे होप कि आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट एन एंड एन का थैंक यू फॉर वॉचिंग है ग्रेट डे एंड अगर आपको कॉन्टेंट अच्छा लगा का सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मेक श्योर दैट यू हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड वी अपलोड अ न्यू वीडियो थैंक यू